हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं संदीप व्यू टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैमरे के सामने प्रॉपर तरीके से कैसे बोल सकते हैं बिना अटक के। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, दोस्तों बहुत सारे लोग अटक जाते हैं कैमरे के सामने बोलने से, हिचकिचाते हैं, घबराते हैं या डरते हैं, एक तरह से सब कुछ कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो करते क्या है दोस्तों, जब वीडियो शूट करते हैं दोस्तों, दो बातों का ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों वो दोनों बात मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों, दो टिप्स है मेरा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो दोस्तों लोग देखते नहीं, वॉच टाइम मिलता नहीं, वीडियो वहीं को वहीं रह जाता है। इसके लिए जो है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इस वीडियो को। दोस्तों आप लोग से एक गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो मैं दोनों नॉलेज दूंगा दोस्तों, बहुत ही कमाल का ट्रिक है। और दोस्तों 100% अगर ये वीडियो मेरा पूरा देख लेते तो आप कभी नहीं अटकेंगे और कभी ना घबराएंगे ना कभी डरेंगे कैमरे के सामने। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, बगल बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मेरा पहला टॉपिक, पहले मैं आप लोग को उदाहरण देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हमको कोई वीडियो बनाना है, उस वीडियो को बनाना है, लेकिन दोस्तों हमको उस वीडियो के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। कुछ नॉलेज का मतलब समझ रहे दोस्तों, उसके बारे में कुछ भी हमको बोलना, कैसे बोलना है, क्या क्या बोलना है, और दोस्तों कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उसके बारे में हमको, ना ही कुछ कभी जो है कि उसको मैं रियलाइज किया हूँ, ना ही कभी उसके बारे में जाना हूँ, ना ही देखा हूँ, ना ही कुछ। तो दोस्तों वो वीडियो हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो तो हम बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दोस्तों हम लोग बनाते बनाते रहेंगे, अटक जाएंगे उसमें। तो दोस्तों ये बात है, हमको जो कि जो वीडियो बनाते हैं इसके कारण अटकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको उस वीडियो के मतलब उससे जो वीडियो बना रहे दोस्तों, वो तो हमको मालूम नहीं है कि कैसे हमको बोलना है, कैसे हमको जो कि वो एक्सप्लेन करना है, कैसे बताना है। तो दोस्तों फर्स्ट में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग जो वीडियो बना रहे दोस्तों, उसके बारे में अच्छे तरीके से अगर आप जानते रहेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तो दोस्तों आप 100% मेरा गारंटी कि आप कभी नहीं अटकेंगे। तो दोस्तों पहले तो आप लोग अगर मान लीजिए किसी के बारे में वीडियो बना रहे दोस्तों, उसके बारे में 10-15 वीडियो आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, उसके बारे में जान लीजिए क्या है, कैसे करना है, कैसे बोलना है कहाँ पर। तो दोस्तों इससे होगा क्या दोस्तों, आप कभी नहीं अटकेंगे दोस्तों, मेरा फर्स्ट टिप्स यही है। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से जान जाएंगे तो दोस्तों आप कभी नहीं अटकेंगे। दूसरा टिप्स मैं आप लोग को बताऊंगा, दूसरा टिप्स जो है दोस्तों, अटकते क्यों होंगे दोस्तों, कहीं हम लोग शूट करें, मान लीजिए मैं अपने रूम में शूट कर रहा हूं, तो दोस्तों इस रूम में अगर मान लीजिए कोई अगर आ जाता है, कोई मान लीजिए मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा कोई भी अगल बगल का कोई आ जाता है दोस्तों, होगा क्या कि अगर मान लीजिए कोई आ गया तो मैं डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा, एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्तों जो है कि घबरा करके मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों ये जो है कि सबके साथ होता है, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ भी पहले होता था कि अगर कोई आ जाता था तो मैं पहले बोल नहीं पाता था, लेकिन दोस्तों अब जो है कि थोड़ा सा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस हो गया, मैं प्रॉपर तरीके से बोल पाता हूँ। तो दोस्तों अगर कोई आ जाता है तो दोस्तों मैं आप लोग को शुरुआत में कहूँगा, दूसरा टिप्स मेरा यही है कि शुरुआत में कहूँगा कि आप लोग जो है कि एकदम जहाँ कोई नहीं आता हो, मतलब आपका रूम ही हो, ऐसा नहीं कि दोस्तों चले जाएँ कहीं दूसरी जगह शूट करने, रूम ही में शूट करो, लेकिन दोस्तों उस टाइम कोई ना हो, आपके पास कोई आता ना हो, आप जो कि रूम एक तरह से कर दे दोस्तों LED बल्ब का यूज करके दोस्तों रूम को बंद करके, अगल बगल से लोग जा रहे हैं उससे मतलब नहीं, आपको कोई देखना नहीं चाहिए बस। तो दोस्तों ये जो है कि मेरा दूसरा टिप्स है, आप एकांत में वीडियो बनाएं, एकदम जहां पर कोई भी ना हो, घर है लेकिन दोस्तों सभी लोग रहते हैं। तो दोस्तों आपको बस यही दूसरा टिप्स में ये है कि आप लोग एकांत में वीडियो बनाएं, अलग से बनाएं, आप कभी नहीं अटकेंगे, कभी नहीं घबराएंगे वीडियो बनाने में। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।